हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फर्स्ट व्लॉग है और हम फर्स्ट व्लॉग के लिए जाने वाले हैं बादशाही मस्जिद। मैं हूँ हरून इकबाल और ये मेरा दोस्त मुआज है और ये मेरा दोस्त हुसैन है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट व्लॉग की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी फर्स्ट वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली। यार कहाँ आ रही है भाई? ओके गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बादशाही मस्जिद की पार्किंग में। हमने बाइक जो है वो पार्क कर दी है और अब हम लोग जो है वो बादशाही मस्जिद के लिए एंटर होंगे। और बादशाही मस्जिद के लिए सबसे पहले हमें जो है वो ग्रेटर इकबाल पार्क का जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से एंटर होना पड़ता है। और वैसे तो कोविड का जो पेंडेमिक था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर लाजिम करार दिया गया मास्क, तो इसलिए मास्क अपने साथ लेकर आए या फिर मास्क यहाँ से खरीद ले। ओके फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग बादशाही मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और हम लोग इस दरवाजे से जो कि बादशाही मस्जिद का मरकजी दरवाज़ा है एंटर हुए हैं। और वहाँ पर उन्होंने हमारा कैमरा जो था वो बंद करवा दिया था, शायद किसी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। तो मस्जिद के अंदर पहले जो है वो जूते जो है आप जमा करवा सकते होते थे, लेकिन अब आपने जूते अंदर लेकर आए हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रहे कि मस्जिद का तकद्दस जो है वो पामाल ना हो। Allahu 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 All
ये देखो हम जब लोग सुना रहे हैं और नमाज को देखो उसको अब ये देखो बाद भी आप सो रहे थे। हाँ बाद भी हम पूरी मस्जिद घूम रहे हैं यार। आप व्लॉग बनाने हैं हमारे साथ और आप सो रहे हैं यहाँ पे। अपना चेहरा तो दिखाएं, लोग आपको देखना चाहते हैं। लेके गयो ना हरून, इस मस्जिद की आलमी शोहरत क्या है? हुसैन, इस मस्जिद में 22 फरवरी 1974 को इस्लामी आलमी कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना मुनक्कदा दूसरी जी, जी, जी। तो उस दिन ना तकरीबन 39 ममालिक के जो सरबराह थे उन्होंने इज्तमाही जुमा जो है वो इस मस्जिद में अदा किया था, तो ये इसकी एक आलमी शोहरत है। भाई ये मस्जिद जो है 1673 में जी बादशाह जो था ना औरंगजेब आलमगीर जी मुगलिया सल्तनत का एक बादशाह था उसने तामीर करवाई थी, और इस मस्जिद में उसने जो है वो उस दौर का जो है ना एक समझ लें कि मुगलिया दौर का एक ये फन तामीर है, ठीक है, और ये उनकी जो एक समझ लें कि यादगार है। इस मस्जिद में तकरीबन एक वक्त में ना 60,000 लोग नमाज पढ़ सकते बादशाह, और मुल्क की दूसरी बड़ी मस्जिद है, यानी कि पहली बड़ी मस्जिद फैसल मस्जिद है जी, उसके बाद की दूसरी बड़ी मस्जिद मुल्क की है। और सुना है इस मस्जिद की मुशाबत जो है वो जामिया मस्जिद दिल्ली से मिलती है। हाँ जी, जामिया मस्जिद दिल्ली जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो जो औरंगजेब आलमगीर का औरंगजेब का जो बाप था ना वो उसने तामीर करवाई थी, तो औरंगजेब ने अपने बाप और भाई के मुकाबले में बहुत सारे जो तामीरात करी थी, जो है 2 साल में मुकम्मल हुई थी, और इस पर उस दौर का 6 लाख रुपया जो है वो खर्चा है जी। मैंने सुना था 1648 में औरंगजेब के वाली थी दिल्ली मस्जिद बनाई थी, पर उस मस्जिद पे जो है वो 10 लाख रुपया खर्चा आया था, दिल्ली जामिया मस्जिद जो है दिल्ली की, और वो मस्जिद जो है 5 साल में मुकम्मल हुई थी। उसके बाद 1939 में इसकी तामीरात दोबारा शुरू हुई, और 1960 में जो है ना वो इसकी तामीरात मुकम्मल हुई। तो इसमें कितना खर्चा आया? उस वक्त का तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा खर्चा आ गया। हुसैन, जो ये दरवाजे हैं ना यहाँ पर मस्जिद के बाएं जाने जो है ना वो तकरीबन 4 से 5 दरवाजे जो है वो लगाए गए। ये दरवाजे जो है आम के लिए जब मस्जिद के अंदर अजान होती है तो नमाज का वक्त होता है तो लोग इस दरवाजे से जो मतलब जिनमें एक या दो दरवाजे खोल दिए जाते हैं लोग उस वक्त मरकजी दरवाजे से नहीं, क्योंकि वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा दूर से ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर से गेट कराना पड़ता है, तो इसलिए लोग फिर इधर से मस्जिद में दाखिल होते हैं, और ये बिल्कुल साथ ही वजू खाना है वहाँ पर जो है वो वजू करते हैं लोग, और उसके बाद जो है वो नमाज जो है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा ब्लॉग वीडियो था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमने अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर कोशिश की कि आपको इंटरटेन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, और आपको तफसीलात दी जाए हमारे ब्लॉग में जहाँ पर हम मस्जिद में हमने विज़िट किया। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।